नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। बेगूसराय के नगर थाने की पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल नगर थाने की पुलिस ने MRJD कॉलेज के पीछे लीची बगान से दो अपराध कर्मी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल नगर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और कि MRJD कॉलेज के पीछे स्थित लीची बगान में दो अपराध कर्मी हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। उसी गुप्त सूचना की सत्यापित करते हुए नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों अपराधकर्मी हथियार के साथ, पुलिस ने दोनों अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधकर्मी में से एक नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं एक अपराधकर्मी की पहचान ऋषभ कुमार के रूप में की गई है, जो कि तिलरथ का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस अपराधकर्मी के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और दो मोबाइल बरामद किया है, जिसकी जानकारी बेगूसराय सदर SDPO ने नगर थाने स्थित कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से, आइए सुनते हैं। रात्रि 9 बजे यानी कि 19/5/24 को करीब 9:55 बजे रात्रि में थानाध्यक्ष नगर को सूचना प्राप्त हुई कि MRJD कॉलेज के पीछे लीची बगान में कुछ अपराधकर्मी जो है किसी संज्ञेय अपराध की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया, उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व पुनी सह थानाध्यक्ष सर्वेंद्र कुमार, कुवनी दुर्गेश कुमार एवं कुवनी अंकिता सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। और जब लीची बगान में छापामारी की गई तो वहाँ एक मोटरसाइकिल के साथ दो व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें एक ऋषभ कुमार हैं, बाप का नाम हीरा सिंह, तिलरथ थाना बरौनी, जिनके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुआ। और दूसरा व्यक्ति जो है वो निरुद्ध बालक है, नाबालिग है, उसके पास से किसी सामान की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन उनके संज्ञान में पिस्तौल और गोली रखने की बात की जानकारी थी, उन्हें भी निरुद्ध किया गया। छापामारी के बाद इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आग्नेयास्त्र अधिनियम के तहत कांड दर्ज किया गया है एवं दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आपराधिक इतिहास रहा है क्या? बताया कि पहले भी इन लोगों ने कहीं नहीं, इनके द्वारा तो नहीं बताया गया है, लेकिन अपराधी की इतिहास वर्तमान समय में तो टाउन थाना में नहीं मिला है, लेकिन सीमावर्ती जिलाओं एवं सीमावर्ती थानाओं को इसके लिए प्रतिवेदन भेजा जा रहा है कि अपराधी की इतिहास प्राप्त किया जा सके। क्या क्या बरामद हुआ सर? एक पिस्तौल, देसी पिस्तौल है, एक गोली है और दो मोबाइल है, एक मोटरसाइकिल है। किसी की घटना की योजना बना रहे थे वो भी बताया? ये बताए हैं, लेकिन अभी उसे उद्भेदित नहीं किया जा सकता है, उस पर काम किया जा रहा है और इससे एक दूसरे बड़ी गैंग की उद्भेदन होने की संभावना है। गोकुलधाम सोसाइटी एक बेहतरीन टाउनशिप जो कि बन रही है बेगूसराय में, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज बन जो कि NH 31 और NH 28 के बीच में स्थित है, जहां से 5 मिनट की दूरी पर बरौनी जंक्शन और 2 मिनट की दूरी पर 0 माइल है। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। सोसाइटी में एंट्री करने के लिए एक सुंदर गेट है। शुरू के 30 फीट के वाइड रोड पर डुप्लेक्स बनाया जाएगा और 20 फीट वाइड ब्रांच रोड की व्यवस्था की गई है। रोड पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। कुछ प्लॉट सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए रखे गए हैं, जिसमें आप अपने लिए शॉप या फिर ऑफिस का निर्माण कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर आकर्षक फाउंटेन, 12,000 स्क्वायर फीट का सुंदर पार्क और 6,000 स्क्वायर फीट के प्रांगण में मंदिर की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए किड्स स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी। हाई राइज अपार्टमेंट का भी निर्माण गोकुलधाम सोसाइटी में किया जाएगा, जहां आप अपना पसंदीदा 2BHK और 3BHK फ्लैट्स खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बुकिंग के लिए संपर्क करें 9934795966 या 7763804567 इस नंबर पर।